तो हेलो सलाम सुबह वोटर चैनल फीवर डेज गेमिंग में। तो आज के दिन हम लोग एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और ऑब्वियसली एक नया पैक आया था उसमें मेरा टीम चेंज हो ही चुका है। तो आप लोग देख सक आप लोगों को दिखाते एक सेकेंड। तो देखिए क्या क्या मिला है मेरे को, आप लोग ध्यान से देखिए। हार मार भी कर लेते हैं आप लोग के लिए। हैरिकेन मिला है, मोहम्मद सलाह मिला है, एंगोलो कांते मिला है। तो पिछला टाइम मेरे को रहीम स्टर्लिंग मिला था और बरेला मिला था। तो बरेला का रिव्यू हम बहुत ही मतलब गंदी तरीके से फेल हो चुके थे रिव्यू देने के लिए। तो हम एक बार उन लोगों का स्टार्ट दिखा देते। तो पहले हैरिकेन का स्टेट्स 99 का ऑफिशियल है, मैंने बॉल कंट्रोल उतना भी अच्छा नहीं। फिनिशिंग 99 का है, हेडिंग 92 का है, किकिंग पावर 96 का है और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा कार्ड है। साला का आप लोग देख लीजिए, साला का भी अच्छा है, लेकिन साला का ये अच्छा है कि उसका स्पीड 99 है, बैलेंस 97 का है। अभी इसका सेट देख, इसका सेट देखने के बाद आप लोग मतलब पागल हो जाओगे। इससे कुछ नहीं है, आप एक चीज़ अगर ऐसा दिखाएंगे ना, इधर से स्टार्ट हो रहा है बैलेंस से, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, बैलेंस 99, सेवन 99, डिफेंसिव माइनस 99, बॉलविंग 99, एग्रेशन 99। एक जहर कार्ड निकाल दिया। तो अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं आप लोग का, ऑब्वियसली हम रिव्यू देने वाले हैं एंगोलो कांते आज के दिन। बाकी ये दो प्लेयर कार्ड का रिव्यू हम बाद में दे देगा। और मेरा टीम का टीम स्ट्रेंथ भी बढ़ चुका है इसी के चलते। तो अभी हम फर्स्ट हाफ रहीम स्टर्लिंग को खिलाते हैं। तो अभी मेरा लोड ले रहा है। आज का ये पूरा रिव्यू एंगोलो कांते के ऊपर। तो आप लोग इसे ऐसे सेंटर बैक यूज़ कर सकते हो, इसका डिफेंसिव होने से अच्छा है। कल को हम और दो पैक ओपन करेंगे, और दो पैक, एक तो 100 क्लब पॉइंट्स ओपन करेंगे रहीम से। ज़्यादा तेज तो नहीं दौड़ता है मगर दौड़ सकते हैं साला। हैरिकेन ऑफसाइड होगी, सेकेंड हाफ रोनाल्डो को उतारते हैं, पहला हाफ रहीम खेलते हैं। अभी हम यूज़ कर रहे हैं एलरोबन वाला फॉर्मेशन। अगर ये मेरे को थोड़ा सा पहले मालूम पड़ता है ना कि ये मोहम्मद सलाह जो डबल टच कर सकता है, तो अब तक कुछ सीन कुछ और ही होता।
तो अभी हम थोड़ा सा कमेंट्री बंद रखा था। हैरी केन का फिनिश 99 है, जो रोनाल्डो का भी नहीं है। हैरिकेन आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकता है कि वो गोल प्रोचर है, ऊपर से एक बहुत ही आपका आप लोगों का फ़ायदा है कि गोल प्रोचर है, लेकिन स्पीड बड़ा ही कम है, लेकिन शॉट पावर अच्छा ही है, 96 का शॉट पावर है और फिनिशिंग 99 का है, अच्छा ही कार्ड है। हम तो बोलेंगे बुरा नहीं है, अच्छा ही कार्ड है। सबसे मेरे को बहुत बढ़िया लगा है कार्ड कांते वाला, तीनों में से सबसे बढ़िया लगा। एक सेकेंड रुकिए, आप बस रोनाल्डो को एक बार सब्स्टिट्यूट करने दीजिए। अभी हाँ भाई, रोनाल्डो और कांते को ये करेंगे। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बस ले लिया बॉल। रॉड्री का भी इंटरसेप्शन बहुत ही बढ़िया होता है। रोड्री का कार्ड आप लोगों को हम दिखाए थे, वो भी बहुत अच्छा कार्ड था। कांदे का ओवरऑल थोड़ा सा कम है, मगर हम सोचे थे कि उसको 98 करना चाहिए। कांदे का पास नहीं है, हमको इसका बिलीव नहीं हो रहा कि कांदे का फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। आप लोग डबल स्ट्राइकर में ले सकते हो इस प्लेयर को। इन लोगों बस रैमोस थर्ड, स्लाइड मार दिया उसने, एग्रेशन 99 है कांते का। खेला हो चुका है ख़त्म। आई होप कि आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा होगा। कांते मतलब
सभी का स्टैट्स भी दिखा चुके हैं, गेम भी खेल के दिखा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को इधर एंड करते हैं। इसी तरह से और भी वीडियो हम लाते रहेंगे, आप लोग सब्सक्राइब मतलब जो जो भी है बेल का आइकन या फिर लाइक का बटन सब कुछ दबाते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो पर।